साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव जो 9 विधानसभा सीटों पर हैं उन पर बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है उनका नाम और उनकी जाति और उनका समीकरण बताते हुए आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वीडियो का एंड तक जरूर देखना। साथियों, जय भीम नर्मदा सभी साथियों को। साथियों, मैं अखिलेश कुमार हूँ, आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। साथियों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था, मगर चुनाव आयोग ने घोषणा किया कि मिल्कीपुर विधानसभा छोड़कर बाकी सभी 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे और जो रिजल्ट आएगा वो 23 नवंबर को आएगा। इसी बीच सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार कर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है और सभी लोग ये चाहते हैं कि उपचुनाव की 9 सीटों की में से 9 सीटें जीत ले। हालांकि आपको बता दें, समाजवादी और कांग्रेस के बीच अभी इस पर लड़ाई जारी है। कांग्रेस को 2 सीट मिली थी मगर कांग्रेस ने 2 सीट नहीं ली, वो अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव की प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी नहीं हुई है। वहीं साथियों, आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के जो 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी है उसमें कहाँ से किसको प्रत्याशी बनाया है और कौन है कि जो करहाल विधानसभा सीट है यहाँ से अवनीश सक्या को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है बहुजन समाज पार्टी ने, जो कि मौर्य समाज से है और ये सीट भी कहीं ना कहीं पिछड़ा बाहुल्य सीट है। तो इस वजह से यहाँ पर पिछड़ा समाज को टिकट देकर चुनाव मैदान में बहन जी ने उतारा है। और वही जो दूसरी विधानसभा सीट है वो है कुंदरकी विधानसभा सीट, जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ पर बहन जी ने मुस्लिम समाज को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। रिफातुल्ला को टिकट देकर बहन जी ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट जो है यहाँ पर बीएसपी ने पहले रवि कुमार गौतम को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था, मगर कुछ ही दिनों के बाद उनका टिकट काट दिया और यहाँ से वैश्य समाज को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। बहन जी ने यहाँ से पीएन गार को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा, जो कि वैश्य समाज से है। और वहीं साथ ही जो चौथी विधानसभा सीट है वहाँ फूलपुर विधानसभा सीट है, जहाँ पर बहन जी ने जितेंद्र सिंह को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि क्षत्रिय समाज से है। और वहीं साथ ही सीसामऊ विधानसभा सीट से बहन जी ने वीरेंद्र शुक्ला को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि ब्राह्मण समाज से हैं और ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है। और वहीं साथियों, खैर सुनिश्चित विधानसभा सीट है, यहाँ से दलित समाज को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि सुनिश्चित सीट है तो यहाँ पर दलित समाज ही लड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर दलित समाज को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है दलित कैंडिडेट को। और वहीं साथियों, मीरापुर से शाह नवाज को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है, ये भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है, यहाँ से भी मुस्लिम प्रत्याशी बहन जी ने घोषित कर दिया है। और वहीं साथियों, जो अगली विधानसभा सीट है मझौवा, यहाँ से दीपू तिवारी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि ये ब्राह्मण समाज से है और ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। और वहीं साथियों, अगली विधानसभा सीट कटहरी है, जहां से जितेंद्र वर्मा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि कुर्मी समाज से है, यानी एसटी समाज से है। यहां पर साथियों, अगर आप देखेंगे तो यहां पर मौर्य समाज को टिकट दिया है, मुस्लिम समाज को, बैस समाज को, क्षत्रिय समाज को, ब्राह्मण समाज को, और वहीं मुस्लिम समाज को, वहीं ब्राह्मण और वहीं कुर्मी और दलित, यानी कि यहाँ पर इतने कास्ट को बहन जी ने और 9 विधानसभा सीटों में टिकट दिया है, यानी कि सभी को भागीदारी दी है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर बहन जी ने टिकट तो दे दिया, मगर क्या उनको वोट ट्रांसफर होता है उन जिन प्रत्याशियों को, उन्होंने जैसे मौर्य का वोट ट्रांसफर हो गया, दलित का तो मिल ही रहा है, अगर मौर्य का वोट ट्रांसफर हुआ और वहीं अगर अल्पसंख्यक समाज का ट्रांसफर हो तो कहीं ना कहीं बीएसपी की जीत हो सकती है। अगर वोट दिया तो क्या प्रत्याशी पर वोट देते हैं वोटर या फिर पार्टी पर, ये बड़ा सवाल है। इस पर आपके क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जोड़ देना वीडियो को एंड तक। धन्यवाद। जय भीम नर्मदा सभी साथियों को।